एंड वेलकम बैक ऑन सेम लाइव फ्रॉम जिना स्टेडियम गुजरावाला। आज बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा रहीम यार खान थंडर वर्सेस गुजरात किंग्स की टीमों के दरमियान। एक्सलेंट मुकाबला। आज गुजरात जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा गुजरात और रहीम खान थंडर की टीमों के दरमियान। एक्सलेंट मैच खेला जाएगा आज। काफी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं गुजरात किंग्स और रहीम खान थंडर की टीम। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अताहुर रहमान मौजूद है। जी अताहुर वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज बहुत ही कांटेदार मैच होंगे ये गुजरांवाला जिना स्टेडियम के अंदर। जी थोड़ी देर पहले टॉस हुआ था गुजरात और गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और कांटेदार मुकाबला तो है। अभी ग्राउंड की तरफ अंपायर जाते हुए अब्दुल मुकीत और उनका साथ दे रहे हैं गुजरांवाला से फर्स्ट क्लास जिन्होंने अंपायरी की है भट साहब और सलीम भट साहब। अभी मैच स्टार्ट करवाने जा रहे हैं और आज का जो मैच होगा वो बहुत ही कांटेदार मैच है गुजरात वर्सेस रहीम यार खान और दोनों साइडों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है गुजरांवाला स्टेडियम में पंजाब प्रीमियर लीग का। आज का ये राउंड का लास्ट मैच होगा और इसके बाद आज के दो सेमीफाइनल हैं बहुत बड़े सेमीफाइनल हैं। इनमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और कुछ रन रेट पे भी आ रहे हैं। अगर गुजरात जीती है तो गुजरात सेमीफाइनल खेलेगी, अगर रहीम यार खान मैच जीती है तो फिर गुजरांवाला सेमीफाइनल खेलेगी। जी मेरान भाई। जी बिल्कुल जबरदस्त क्रिकेट का मेला जारी है यहाँ पर गुजरांवाला जिना स्टेडियम में पंजाब प्रीमियर लीग की सूरत में आज अंपोर्ट मैच खेला जा रहा है। ये लाइनअप है रहीम यार खान की टीम, फैजुर रहमान, सोहेब सुल्तान, ख्वाजा वासिफ, अली रजा, हुजान अली, कामरान अहमद, सलमान अहमद, फरीदुद्दीन जाफरी, अदनान शरीफ, हसीब अहमद, आमिर सोहेल और गुजरात किंग्स के हैं सलमान हनीफ कैप्टन हैं गुजरात को लीड कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद शहजाद अली हमजा उस्मान अहमद फहम उल हक। ये मैं आपको बता दूं इसमें बहुत से बड़े लेजेंड जो हैं उनके बेटे भी खेल रहे हैं फहम उल हक हैं, अली रजाक अब्दुल रजाक जो हमारे इंटरनेशनल ऑल राउंडर फार्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक का बेटा भी खेल रहा है उनके साथ हैं, अदनान गौस ये भी बहुत मंजे हुए हैं और बहुत से लड़के हैं। आज जो ये मैच होगा ये बहुत कांटेदार मैच होगा और कुछ टाइमिंग की वजह से कुछ ओवर कम किए गए हैं तो आज अभी गुजरांवाला ग्राउंड का मौसम भी बहुत कमाल है। इमरान भाई आज की जो सबसे बड़ी चीज़ है वेदर बहुत अच्छा है, मौसम जो है वो कमाल है क्योंकि अभी गर्मियां गुजरी हैं और सर्दियों की तरफ आ रहे हैं और ये क्रिकेटरों के लिए क्रिकेट के लिए गेम के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और ये जो आज का मैच होगा ये 15 ओवर पे मुश्तमिल मैच है क्योंकि अभी फील्डिंग है और बॉलिंग के लिए बॉलर तैयार हैं। फ्लिक किया है आता खोला रजा ने। अगर ये बंदा 5-7 ओवर ये सर्कल के निकालता है तो आपको बहुत बड़ा ये मैच मिलेगा और पहले ही बॉल पर विकेट आउट और कॉट बिहाइंड हुजान अली सीधा विकेट कीपर के पास बहुत ही अच्छा बॉल बाहर की तरफ निकलता हुआ और पहले ही बॉल पर हुजान अली पवेलियन की राह देखते हुए। जी इमरान भाई। जी पहला नुकसान
हुसैन अली की सूरत में जो कि जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं, लेकिन आज फ्लॉप हो गए हैं। अतः रीप्ले में देखिएगा जिस तरह से आउट हुए हैं हुसैन। गेंद बाहर ली किस साइड पर निकला है, बॉल थोड़ा सा पढ़ के बाहर की तरफ निकला है, जिसको वो ना वो खेले हैं ना उनको उन्होंने छोड़ा है इसको, जिसकी वजह से डबल माइंडेड होके वो एज निकला है। और बहुत ही अच्छा बॉल गुजरात किंग्स की तरफ से। नए बैट्समैन आने वाले हैं, रहीम यार खान की तरफ से जो नए बैट्समैन। अभी जो गुजरांवाला है उसका व्यू इतना कमाल है, और ये पहलवानों का शहर है जो नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सबसे अच्छे अच्छे जो पहलवान हैं वो गुजरांवाला से निकलते हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आगे गया है, क्योंकि नू जैसे और उसके अलावा पहलवानों का ये शहर, इसमें नाम बट जैसे और हैदर अली जैसे जिन्होंने मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए, उनका भी तल्लक इसी शहर गुजरांवाला से है। जी बिल्कुल अता, और ये बहुत एक ऑनर की बात है गुजरांवाला के लिए कि ये पहलवानों का शहर है, इसका नाम दिया गया है पहलवानों का, और यहाँ पर खानों की भी काफ़ी तारीफ। इमरान भाई ये तो है, लेकिन बहुत ही अच्छा बॉल किया इस वक्त भी, तो ये भी दूसरा बॉल भी जो था वो पहले बॉल की तरह लग के बाहर की तरफ गया। अभी स्क्रीन के सामने थे नुमान भट्ट साहब, पहले ओवर की पहली बॉल पे बहुत बड़ी कामयाबी ली अदनान ने, जो गुजरात लाइन गुजरात किंग की तरफ से खेल रहे हैं। अब सामना करेंगे कामरान, कामरान बहुत मंजे हुए बैट्समैन हैं। फिर अदनान ने बॉल की, बहुत ही अच्छा खेले ऑन साइड की तरफ और पहला रन मुकम्मल किया, और साथ ही दूसरे रन के लिए दो रन मुकम्मल हुए। तो आज वेदर बहुत अच्छा है, इसके बाद जो दो दूसरे विकेट भी बहुत अच्छा है। इमरान भैया आपने देखा है विकेट कैसा है, गुजरांवाला की विकेटें जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो गुजरांवाला की विकेटें पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह टंडोलकर ने इसी ग्राउंड से डेब्यू किया है, तो ग्राउंड ये थी खुशकिस्मत भी है और टंडोलकर भी खुशकिस्मत है, क्योंकि उन्होंने अंबार लगाए हैं रन्स के, और विकेट जो मुझे नज़र आ रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैसा विकेट है। जी बिल्कुल अता, आपने जिस तरह से बताया सचिन रमेश टंडोलकर जिन्होंने डेब्यू अभी यहाँ से किया है, और वही एक नाम आज एक पूरी दुनिया में सचिन का माना जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, बड़े रन्स का अंबार लगाए सेंचुरियों में और फिफ्टियों में ढेर लगा दिए सचिन टेंडुलकर ने। टेंडुलकर के लिए तो ये बहुत ही लकी ग्राउंड रहा है पाकिस्तान का जिनाह स्टेडियम, क्योंकि पूरी दुनिया में जब विकटें बहुत तेज़ थी तो उनमें से एक शुमा। बहुत ही अच्छा बॉल दोबारा अगेंस्ट अदनान अली अदनान का गुजरात किंग्स की तरफ से, अदनान पहला ओवर करते हुए चार बॉल पे चार रन, एक विकेट हासिल कर लिया है अदनान ने, और सामना कर रहे हैं अब कामरान। जिस तरह का बात कर रहे हैं इमरान भाई, ये गुजरांवाला टंडोलकर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने डेब्यू किया, ये उनके लिए तो बहुत लकी रहा है। इसी तरह और भी क्रिकेटर हैं जिस तरह इमरान थे गुजरांवाला के, वो भी अगेंस्ट बॉल किया अदनान ने, और बैट्समैन मुकम्मल तौर पे कामरान बीट हुए। तो उसके साथ ही पहले ओवर का खात्मा हुआ, स्कोर है 4-1 खिलाड़ी के नुकसान पर। अपने बॉलिंग स्टार्ट पे मौजूद हैं उस्मान खान, राइट एम मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और सामना करेंगे इनका अली रजा। गुजरात किंग्स की तरफ से अटैक के लिए आए हैं उस्मान खान, और सामना करने के लिए तैयार है अली। बहुत ही अच्छा बॉल, और लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक रन मिला है। अब सामना करेंगे कामरान, पहला बहुत ही अच्छा किया है अंदर आता हुआ उस्मान खान का। जी इमरान भाई कैसा लगा, फिर बहुत बड़े लेजेंड हैं इधर, बहुत लेजेंड जो थे उन्होंने डेब्यू किया है, अभी फिर बॉलिंग के लिए आए हैं उस्मान खान। जी बिल्कुल,
और दिलकश अंदाज के साथ ड्राइव की थी, लेकिन कवर पर खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया है। और ये बड़ी अच्छी लीग चल रही है यहाँ पर, गुजरांवाला प्रीमियर लीग के नाम से जो लीग यहाँ पर स्टार्ट हुई है, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, इमरान नज़ीर जैसे, सलमान बट, मोहम्मद इरफान, कामरान अकमल जिस तरह मेंटोर हैं रावलपिंडी टीम के, तो इस तरह एक बहुत अच्छी साइन है नौजवानों के लिए गुजरांवाला के, कि जिस तरह से ये लीग यहाँ पर हो रही है। बहुत ही अच्छा बॉल, फिर यॉर्कर बॉल किया तो सिंगल रन ही होंगे। तो इमरान भाई, ये लीग बहुत अच्छी लीग हो रही है, ये गुजरांवाला में पहली लीग है जो लाइव दिखाई जा रही है जियो सुपर के ऊपर। तो इस तरह के टूर्नामेंट अगर होते रहें तो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उनमें जोश आएगा और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी कर सकें, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आने के लिए बच्चों में एक दम होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। दोबारा फिर उस्मान खान बॉलिंग के लिए, वेरी गुड बॉल, वेरी गुड शॉट, सिक्स अली रजा ने उठा के फेंका, थोड़ा सा पीछे बॉल मिला बॉडी के ऊपर, सीधा स्टैंडों के ऊपर, ये बिल्कुल हल्का सा फ्लिक किया था और अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा है बाउंड लाइन से बाहर। रीप्ले में देखिएगा, ये होती है टाइमिंग अता, छह रन। इमरान भाई एक बड़ी क्वालिटी है ये बैट्समैन में, इसकी और भी वजह है, जो गुजरांवाला की विकेट है ना वो नज़र आ रही है कि ये अगर बॉलर है तो वो बॉलिंग करना चाह रहा है तो वो बॉलिंग हो रही है, बैट्समैन अगर बैटिंग करना चाह रहा है तो बैटिंग हो रही है। मैं ये क्रेडिट दूंगा ये ग्राउंड मैनों को जिन्होंने इतना अच्छा ये विकेट तैयार किया है, और ग्राउंड बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल एक्सलेंट आउटफील्ड। आज दफा पंच दूर की है एक रन के लिए, दूसरे ओवर की पांच बॉलें हो गई हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 13 एक विकेट के नुकसान पे, जो अभी रहीम यार खान की विकेट गिरी है, बहुत बड़ी विकेट थी हुसैन अली की, लेकिन जिस तरह का स्ट्रोक खेल रहे हैं अली रजा और कामरान, मुझे लग रहा है जिस तरह का विकेट भी है ये 110 और 15 रन जो है ये हो जाएगा इस विकेट पे, क्योंकि 15 ओवर हैं। वेल बॉल्ड, वेरी वेल बॉल्ड, और दो ओवर का खेल मुकम्मल, बढ़ता हुआ स्कोर 13 एक विकेट के नुकसान पे, और रहीम यार खां की टीम का प्रेशर किया जा रहा है। और ये जो अदनान अभी एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग के लिए, तो इस तरह अगर गुजरात की टीम पहले अपने 5 या 6 ओवर में प्रेशर बिल्डअप करती है रहीम यार खां थंडर की टीम पर, तो रिजल्ट आपके सामने डिफरेंट होंगे। हाँ, पहली ये है जिस तरह के अदनान ने पहले ही बॉल पे विकेट गिराई थी रहीम यार खान की, तो प्रेशर अब बिल्ड किया था, और इसके साथ साथ उनकी हाइट भी इस तरह की है, विकेट का वो फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं, जिस तरह विकेट छोड़ दिया उस तरह उनकी हाइट है, और बहुत ही अच्छा बॉल कर रहे हैं अदनान। वन शॉट और अली रजा की तरफ से दूसरा छक्का, और जिस तरह उन्होंने विकेट को देखा और जिस तरह बॉलिंग अटैक था, बॉलिंग के आते ही हल्का सा उन्होंने बैट को मूव किया और पीछे थर्ड मैन की तरफ छिका। इमरान भाई हाँ, ये बहुत समझदारी की शॉट है। इमरान भाई क्या कहते हैं, ये गुजरांवाला में है जहाँ बाहर में है, निचले ग्रास रूट पे भी बहुत अच्छा आपको टैलेंट मिलेगा। आपने देखा इतना अच्छा शॉट खेला है, जिस तरह के एक दिन पहले हार्दिक पांड्या ने भी खेला था, उसी तरह सेम ही आज अली रजा ने भी खेल जी दिया। बिल्कुल, इस तरह का टैलेंट आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट है गुजरांवाला में वो रंग अपने बिखेरती हुई, क्या बात है गुजरांवाला टैलेंट की। अली रजा ने अपना पूरा प्रूव कर रहा है, एक छक्के के बाद सिंगल लगा रहा है, ये एक साझेदारी की बात है, क्योंकि जो जब भी बाउंड्री लगती है अगर बैट्समैन उसके बाद सिंगल कर लेता तो बॉलर जो है वो उधर ही, क्योंकि बॉलर को विकेट चाहिए होती है, लेकिन T20 में ये चीज़ बहुत अच्छी है, एक नई चीज़ आ रही है बाउंड्री के बाद सिंगल लगाना, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, वेरी गुड बॉल अदनान की तरफ से, गुजरात किंग्स जो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं अदनान, इनकी हाइट्स 6.3 लग रही है मुझे इमरान भाई, क्योंकि विकेट का फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ही साझेदारी से ये बैट्समैन जो हैं ये बैटिंग कर रहे हैं।
क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, विकेट बहुत अच्छी है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है गुजरांवाला का इस वक्त, और स्पेशली अभी क्राउड आना शुरू हो गया है गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम में, जियो सुपर पे लाइव लगा हुआ है मैच, दोबारा फिर बॉल करने के लिए अदनान आए हैं। वेल बॉल अदनान, एक्सलेंट डिलीवरी अदनान गौस, अच्छी बॉलिंग करवाते हुए और अपनी हाइट का भरपूर फायदा उठा रहे हैं अदनान। इमरान भाई ये एक और चीज़ नज़र आ रही है, लग रहा है विकेट को देख के थोड़ा सा विकेट तेज़ है, हाइट दे के बैट्समैन नीचे उतर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये पीछे ये सेम इसी तरह उसने सिक्स मारा है इसको पॉइंट के ऊपर से, तो विकेट को भी बैट्समैन को देखने में एक दो ओवर तो लगता है, लेकिन अदनान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दोबारा फिर अदनान आए बॉलिंग करने के लिए, वेल प्लेट, थर्ड मैन की तरफ फिर एक दफ़ा सिंगल लिया, अब सामना करेंगे अली रजा, जिसके साथ ही तीन ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर 21 एक खिलाड़ी के नुकसान। और इसी तरह ही आपको एक और जबरदस्त शॉट देखने को मिलेगा, इस दफा कामरान के बल्ले से गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन के लिए, वेलकम किया है उस्मान खान को जी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक किया खेला है कामरान ने, क्योंकि थोड़े से वो पीछे नर्वस लगे थे, लेकिन इस शॉट से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा, क्योंकि अली रजा पहले ही बैटिंग बहुत अच्छी साथ दे रहे हैं। और इमरान भाई मैं बता दूं आपको, ये विकेट इतना अच्छा है, अगर इस विकेट के ऊपर 120 रन्स हो गया तो बॉलिंग अटैक दूसरे के फास्ट बॉलिंग अच्छी हुई तो मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर जी। बिल्कुल बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे कामरान, लेकिन इस दफा उस्मान खान ने बॉल को बीट किया है। कामरान का साथ दे रहे हैं अली रजा, और जो हमारे अंपायर हैं वो उनका साथ दे रहे हैं सलीम बट साहब, जिनका तल्लक गुजरांवाला से है, फर्स्ट क्लास अंपायरिंग कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्लास मैचों में भी हैं, और ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट जो है ये गुजरांवाला को मिला है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्राउड आना शुरू हो गया, क्योंकि सेमीफाइनल है, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल है। दोबारा फिर उस्मान खान, और सलमान अलीफ जो कि कप्तान थे कैच को ड्रॉप कर दिया है, बहुत ही अच्छा बॉल किया था बॉलर ने उस्मान खान ने, और फील्ड मिस कैच करते हुए इनके कैप्टन वो इसके साथ ही अपनी फिंगर इंजर कर ली उन्होंने, उस्मान जो कैप्टन थे गुजरात किंग के, बहुत अच्छा बॉल किया था लेकिन मिस जज, जिसकी वजह से फिंगर फ्रैक्चर हुई है कैप्टन गुजरात किंग की। चौथे ओवर का खेल जारी है, उस्मान खान वेरी गुड बॉल, फील्डर गेंद के नीचे है और कीपर ने कैच लिया, इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है अली रजा इस दफा वापस आते हुए, तो दूसरा नुकसान, बहुत ही अच्छा बॉल किया उस्मान खान ने, और दूसरा नुकसान रहीम यार खान को अली रजा की सूरत में मिला, जो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे अली रजा, तो इस वक्त उस्मान खान ने अली रजा को लीगल डिलीवरी आई है, ये बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया अली रजा का, बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे अली रजा, जिनका तल्लक गुजरांवाला से है, ये बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है, विकेट कीपर भी हैं ये अली रजा, और इन्होंने 8 बॉल पे 15 रन बनाया अली रजा ने, और पुलिन की तरफ लौटाए उस्मान खान ने, दूसरी विकेट हासिल की रहीम यार खान की, तो रहीम यार खान तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, अगर ये वो मैच जीते गुजरांवाला कोटा ये इसका फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा शॉट, अब उस्मान खान का चौथा बॉल था, और ये बहुत ही अच्छा खेला है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, गुजरात किंग की बॉलिंग बहुत अच्छी है, न्यू बैटर्स कमिंग, हसीब अहमद आए हैं नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं हसीब, 26 for 2
लास्ट बॉल इज कमिंग अप, आखिरी गेंद का सामना करेंगे असीम उस्मान खान का। 50 ओवर मैच है ये, और फ्लिक किया इस दफा, गेंद लेग साइड की तरफ जाती हुई, तो दूसरे की कॉल जरूर की थी, एक रन नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह चार ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 27 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। वेल प्लेड, बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली है, नजम आए हैं बॉलिंग के लिए, वेलकम किया है हसीब ने इस चौके के साथ ही। ओके भाई साहब, बड़ी लगाना चाह रहे थे, रिप्ले में देखिएगा, और चार रन का और इजाफा हुआ। फाइन अंदाज के साथ खेले हैं, तेजी करना होगी, पांचवें ओवर का खेल जारी है। नजम बॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा खेले, और नजम 4 रन के लिए कामरान ने खेल दिया, और इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर रहीम यार खान का 36 दो विकेट के नुकसान पे, और पहली ही 3 बॉलों पे 9 रन लग गए हैं नजम को, जो बहुत महंगा ओवर साबित हो रहा है गुजरात किंग को। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक इमरान भाई, आउटफील्डिंग कैसी है गुजरांवाला की? बहुत ही मज़ेदार लग रही है मुझे तो। जी बिल्कुल बताम, मैं पूरे टूर्नामेंट में यहाँ पर मौजूद हूँ, और आउटफील्ड आउट क्लास थी, क्या बात है आउट, क्या बात है नजम की भी, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है रहीम यार खान की टीम को, तीसरा नुकसान। पहले बाहर बॉल किया था, और नजम बहुत ही मजे हुए बॉलर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि दूसरा ओवर चौथा ओवर उन्होंने बिल्कुल अंदर डाला है, 3 पहले जो बॉल थे वो बाहर किए हैं उन्होंने, और चौथा बॉल जो है वो आर्मर कर दिया है, और बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं लगी, और यही क्वालिटी है विकेट की, विकेट इतना अच्छा है, ब्रेक भी हो रहा है और स्किट भी हो रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है नजम ने, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और हल्का सा निकला लेकिन अंदर की तरफ आता हुआ, बोल्ड हो गए कामरान अहमद, 15 बॉल्स पे 13 रन किए हैं कामरान अहमद, और सुहेब आए हैं नए बैट्समैन, ठीक है रहीम यार खान की तरफ से सुहेब आए हैं नए बैट्समैन, हसीब उनका साथ देंगे, और नजम पांचवी डिलीवरी फेंकेंगे, अभी सामना कर रहे हैं सुहेब। नजम अभी तक तो सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, एक विकेट लिया है। जी बिल्कुल, सुहेब न्यू बैटर, और अपील जरूर की है नजम ने, लेकिन अंपायर, लेकिन सलीम बट साहब का इशारा नॉट आउट, क्योंकि मुझे लग रहा है बॉल जो है ये आउट पिच हुआ होगा, जिसकी वजह से वो जरा भी नहीं इस पे रहे। सुहेब का तल्लक हफ्साबाद से है, लेकिन ये रहीम यार खान की तरफ से, ये बड़ी खुशी की बात है इमरान भाई, बहुत ही अच्छा बॉल, और लेकिन उतना ही अच्छा खेले हैं सुहेब, और 4 रन के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। पंजाब प्रीमियर लीग में जितने भी बंदे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान से हैं। जी बिल्कुल, रिप्ले में देखिएगा जिस तरह से बाउंड्री हासिल की सुहेब ने, ये सुहेब हैं, इनका तल्लक हफ्साबाद से है, तो इनके बड़े भाई हैं वो फर्स्ट क्लास भी खेले हुए हैं, सुल्तान उनका नाम है, रिजवान सुल्तान हैं, वो सियालकोट रीजन की तरफ से खेले हुए हैं, विकेट कीपर बैट्समैन थे। साथ ही 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 40 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रहीम यार खान के 40 रन 3 आउट 5 ओवर, अभी पावर प्ले ओपन हो गया है, तो पावर प्ले 5 ओवर का पावर प्ले था, जिसमें 40
रन्स और तीन आउट रहीम यार खान के, तीन विकेट के नुकसान पे। जी हाइलाइट्स देखिएगा पावर प्ले में जिस तरह पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद जबरदस्त शॉट देखने को मिली, छह रन और रिकवर के ऊपर से खेले थे चार रन के लिए और एक और बाउंड्री और यहाँ पर विकेट गिरी। यहाँ कट जरूर गई थी और गैप में खेले थे दास के साथ खेले हैं। बहुत ही अच्छा हसीब ऑन साइड पे खेले हैं और सिंगल लिया है और बॉलर नेम है उस्मान अहमद, नए बॉलर आए हैं अभी उस्मान अहमद गुजरात किंग की तरफ से। जी अता इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग का मेयार बड़ा जबरदस्त रहा है, जिस तरह की ये लीग हो रही है पंजाब प्रीमियर लीग, इसमें अंपायरिंग भी डेफिनेटली उतनी अच्छी होगी क्योंकि सारे जो हैं वो नेशनल लेवल के अंपायर हैं, इंटरनेशनल लेवल भी के अंपायर हैं इसके अंदर, वो ऑफिशियली जो इतने भी हैं वो सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। बहुत ही अच्छा खेला है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत ही अच्छा कट शॉट खेला सुहेब ने उस्मान अहमद को और बढ़ता हुआ स्कोर 45। जी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कट थी सोहेब की, सोहेब चाहेंगे कि विकेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टे किया जाए और एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया जाए गुजरात किंग की टीम को, जिस तरह से आज अपने अजायम का इजहार किया है सोहेब ने आते ही बाउंड्री हासिल कर ली, तो वो इरादे कुछ नए की लेकर आए हैं। हाँ जिस तरह मैं आपको बोल रहा था क्योंकि इसका तल्लक सोहेब का जो है वो क्रिकेटर घराने से है, इसके वालद साहब जो इनके कोच हैं, मजे की बात बताऊँ हफसाबाद के, उनको सुल्तान गोल्डन के नाम से याद किया जाता है, तो सुल्तान गोल्डन साहब के साहबजादे हैं सोहेब शोएब। और 107 अंपायर कॉल वाइट बॉल, उस्मान अहमद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं गुजरात किंग्स और बहुत ही अच्छा स्ट्रो खेला एक रन के लिए। इमरान भाई बात कर रहे थे इस लीग की, इस तरह की लीगें अगर पाकिस्तान में होती रहें जिस तरह कश्मीर लीग हुई थी, सिंध लीग हुई थी, लेकिन ये पंजाब प्रीमियर लीग जो है इसका एक मुझे स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा बॉल कर रहे हैं उस्मान और उतना ही अच्छा स्ट्रोक सोहेब, वेरी गुड गोल रन। ये चीज़ जो है ये हमारे, क्योंकि अभी पीसीबी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही इस चीज़ पे सख्ती की है, इमरान भाई जो फिटनेस लिहाज से है उस पर बात करें, आपको कुछ लड़के फिटनेस लिहाज के गांव से नज़र आते हैं जो रहीम यार खान के लड़के हैं, ये फिटनेस के लिहाज से अच्छे लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, फिटनेस अम्बरड होता है किसी भी खेल के लिए, अगर वो फिट होंगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देंगे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिटनेस तो बेहतर होगी। तो इसी तरह नहीं, 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 51-43 एंड ऑफ ओवर नंबर 6 रहीम यार खान की टीम। इमरान भाई थोड़ी सी बात थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी हो जाए, जिस तरह हमारी क्रिकेट पिछले कुछ महीनों से कह लें या एक दो साल से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, अभी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले थी उसी तरह अभी वो वर्क कर गए हैं कर रहे हैं, टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेले हैं हमारे क्रिकेटर, 2 सेंचुरियाँ की हैं शान मसूद और उनके साथ, बहुत ही अच्छा शॉट सोहेब का और बढ़ता हुआ स्कोर 55। जी बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो अच्छी दी है लेकिन आगे से जवाब इंग्लैंड की टीम ने भी जबरदस्त दिया है, वहाँ से 2 सेंचुरियाँ आई हैं वहाँ, लेकिन इंग्लैंड वालों ने 3 सेंचुरी और 2 सेंचुरी डाली है। बहुत ही अच्छा शॉट सोहेब की तरफ से, बहुत अच्छा सिंगल लिया। हाँ जिस तरह इमरान भाई बता रहे हो कि क्योंकि जिस तरह सेंचुरियाँ मुल्तान में हो रही हैं ये एक्सप्रेस वे चल रहा है मोटरवे
सारे ऐसे लगा रहे हैं। और यहाँ पर गुजरांवाला में भी कुछ ऐसे सीन नजर आएंगे आपको सेमीफाइनल और फाइनल में। हाँ, मुझे ये तो उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत बड़े मैच हो रहे हैं और सेमीफाइनल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कल कामरान की पिच रिपोर्ट थी, उसमें वो बता रहे थे कि 200 रन तक बनेंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। विकेट जो है वो बैटिंग के लिए भी साजगार है। हाँ, यही तो मैं पहले बात की थी, जो हमारी ये ग्राउंड है गुजरांवाला की, गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम की, ये मुझे लग रहा है जैसे मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ और दुबई की विकेट देख रहा हूँ जी। बिल्कुल, और बहुत ही तेज बॉल की, बीट हुए कीपर भी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा, बाय का इशारा दिया सलीम भट्ट साहब ने 4 रन के लिए। इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर, 60 रन मुकम्मल हुए 3 विकेट के नुकसान पे रहीम यार खान। तो बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में, तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जितने ग्राउंड हैं उनको दोबारा जो है वो रिपेयर किया जाए, और आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसके लिए हमारे पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में अच्छा नज़र आए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे ही ग्राउंड होंगे जी। बिल्कुल, और इस दौरान एक और विकेट देखने को मिली है, चकमा दिया नजम ने। नजम काफ़ी क्लेवर बॉलर है, चलाक बॉलर है, और पहले बोल्ड किया, अब स्टंप आउट किया। क्या बात है नजम की, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है लेकिन चलाकी के साथ एक और विकेट हासिल कर ले। रिप्ले देखिएगा, यहाँ पर कोई मसला नहीं। इमरान भाई, जो पीछे बाउंड्री लगी थी नजम के ओवर में पहले में ही, तो उसके फौरन बाद उसने विकेट इसी तरह सेम लेकिन बोल्ड किया था, और सेम ही इसी तरह बाउंड्री लगी है और वो निकल के खेलना चाह रहे हैं तो विकेट कीपर की दाद देनी पड़ेगी इधर हमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टैम्प किया, मौका ही नहीं दिया। अब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको नमान भट्ट साहब, जो एक्स गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं नमान भट्ट साहब, जिनका तल्लक गुजरांवाला से है। 64 और 4 विकेट के नुकसान पे रहीम यार खान का स्कोर हुआ 60। नजम अभी तक 2 आउट कर चुके हैं 18 रन देकर, और ये मैं आपको बताता चलूं 15 ओवर पर मुश्तमिल मैच है ये, क्योंकि इसके बाद 2 सेमीफाइनल हैं जो आज के बहुत बड़े सेमीफाइनल हैं, आपको लाइव जियो सुपर पे दिखाए जाएंगे जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला से। पंजाब प्रीमियर लीग के अंदर ख्वाजा वासिफ आए हैं, ख्वाजा वासिफ रहीम यार खान की तरफ से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। लास्ट विकेट हसीब की गिरी थी जिन्होंने 9 बॉल पे 8 रन किए हैं। ख्वाजा सामना करेंगे नजम का, बहुत ही अच्छा बॉल, और इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। 2 ओवर नजम ने किए हैं, 2 आउट किए हैं और 18 रन जो हैं वो दिए हैं, बहुत ही अच्छा ओवर किया है। इमरान भाई, बात करते हैं खानों की गुजरांवाला के, तो आपने लाहौर से भी खाए हैं, रहीम यार खान से भी खाए हैं, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी खाए हैं, आप तो हर जगह मैं देखता हूं, आपको सुनता रहता हूं, कमेंट्री करते हैं आप, रेडियो भी करते हैं, मैं पेजों पे भी देखता हूं, जियो सुपर पे भी कर रहे हैं आप, तो हर शहर में आप जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस है खानों का, तो गुजरांवाला के खाने कैसे हैं जी? बिल्कुल, ये आपकी बात बहुत अच्छी है, लाहौर का टेस्ट तो है लेकिन गुजरांवाला में तो अलग ही टेस्ट है। यहाँ पर हर जो होटल है वो लज्जत से भरा हुआ है, लज्जत से भरा हुआ है, और बिल्कुल ऐसा ही है। रात गए तक हम यहाँ से 1-2 बजे फ्री होते हैं, तो जब आप जाएं तो आगे से होटल आपको खुले नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा बॉल किया था और विकेट कीपर ने स्टंप बहुत अच्छा किया है जी। बिल्कुल, अंपायरी जो है वो बहुत अच्छी है, एक मेयार है, स्टैंडर्ड है इस लीग में। देखते हैं ख्वाजा क्या करते हैं उस्मान के साथ, फैदास के साथ खेले हैं, कोशिश होगी ख्वाजा की के 3-4 ओवर मजीद खेल लें और थोड़ा सा रन रेट को बेहतर कर लें, उसके बाद जा रहा नादाज। जी बहुत ही अच्छा खेले हैं ख्वाजा, और अभी तक 62 और 4 विकेट के नुकसान पे रहीम यार खान।
भाई। गुड शॉट सामने खेले हैं और ये 4 रन्स रहीम यार खान के बैट्समैन सोहेब जिनका तल्लक हफसाबाद से है और ये बहुत ही मजे हुए बैट्समैन हैं सोहेब इमरान भाई। ये इस तरह की महारत रखते हैं अगर ये सारे पूरे ओवर खेलते हैं 15 के 15 तो मुझे उम्मीद है इनका स्कोर रन स्कोर जो है वो 125 जो है वो 130 ज़रूर होगा। और इसी दौरान ही साइड की तरफ खेले हैं और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री लाइन पार करती हुई 4 रन के लिए। क्या टाइमिंग थी सोहेब की, सोहेब के बल्ले से एक और चौका, शानदार सिलसिला जारी है यहाँ पर सोहेब के बैट से और इस तरह स्कोर भी बिल्डअप होता हुआ तो स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 70 चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। रिप्ले में देखिएगा जिस तरह से गैप में खेले हैं 4 रन के लिए, जबरदस्त एक्सलेंट। लास्ट बॉल का सामना करेंगे सोहेब, कदमों का इस्तेमाल किया, 1 रन का और इजाफा हुआ तो उसके साथ ही 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 71 for 4। ओ ये बहुत ही अच्छा व्यू है इस वक्त गुजरांवाला और जो नेचुरल है जो देखने वाली चीज़ है सूरज इस वक्त गुजरांवाला की रोशनी को गुजरांवाला की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मुझे तो इस वक्त इस तरह लग रहा है जैसे मैं कोई दुबई का मंजर देख रहा हूँ तो ये कुदरत के नज़ारे हैं तो अल्लाह ताला ने ये हमें दिखाए हैं। यही तो बात है पाकिस्तान की, इसके अंदर मौसम जो है वो बदलते रहते हैं और सूरज ने तो कमाल कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है, जैन अली लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर आए हैं तो देखना होगा क्या करते हैं जैन। 71 for 4, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही अच्छा बॉल किया है दोबारा जैन ने और ये पहला ओवर करने के लिए आए हैं जैन जो मुझे अच्छे बॉलर लग रहे हैं लेकिन सोहेब बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन है। दोबारा बॉल करने के लिए आए हैं जैन, सही है। अभी स्ट्राइक पे हैं तो बहुत ही अच्छा बॉल जैन जो है ये इनका तल्लक है मंडी बावलदीन से। इमरान भाई यही चीज देखने वाली है, हर शहर से हर लड़का खेल रहा है इस पंजाब प्रीमियर लीग में। गुड शॉट सोहेब फ्रॉम हफसाबाद लेकिन ये नुमाइंदगी कर रहे हैं रहीम यार खान की और ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन है क्योंकि इनकी कोचिंग जो की है इनके फादर ने की है, उनको गोल्डन के नाम से मशहूर हैं हफसाबाद में इनके बड़े भाई जो हैं वो T20। ये मंजर देखें गुजरांवाला के, जो फ्लाई ओवर है गुजरांवाला का उसका मंजर देखें किसी और साथ सूरज का किसी ब्यूटी से कम नहीं है। 9वें ओवर का खेल जारी है, बहुत ही अच्छा बॉल किया है जैन ने और जैन का मैं बताता चलूं तल्लक मंडी बावलदीन से है जो पंजाब प्रीमियर लीग का हिस्सा है और रहीम यार खान की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। और पिक किया इस दफा लेफ्ट हैंडर बैटर ने लेकिन एक ही रन मिल सकेगा, बड़ी हिट लगाना जरूर चाह रहे थे ख्वाजा लेकिन ख्वाजा के बल्ले से सिर्फ एक ही रन मिलेगा तो अब सामना करेंगे सोहेब। 9वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर अभी भी 73 है तो स्कोर बढ़ाना होगा अगर इस मैच की फतह हासिल करनी है रहीम यार खान के बैटर्स को। गुड शॉट सोहेब अगेंस्ट, बहुत ही अच्छा शो खेला। मैं ये इसको बता दूं ये इतना अच्छा प्लेयर है, ये महारत रखते हैं इस तरह के स्ट्रोक खेलने के और अंपायर का इशारा 6 रन्स। सोहेब जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं और अभी तक सिर्फ 16 बॉल पे 13 4 रन बना लिया है सोहेब ने तो ये शॉट देख के तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे ये
रन्स के अंबार लगा देंगे। इमरान भाई ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है और अपनी टीम को इस तरह लीड कर रहा है और 130-135 पे लेके जाएगा ये, क्योंकि दूसरी इनिंग में लाइटिंग का आएगा और दूसरा हो सकता है ड्यू का इफेक्ट भी हो, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट किया है और वेल स्वीप, सिक्स रन्स, छह रन्स के लिए खेल दिया है। ख्वाजा ने वेलकम किया उस्मान को इस छक्के के साथ ही। आइए मैं आपको बाउंड्री दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा शॉट, जिस तरह सुहेब नजर आ रहा था इसी तरह अब ख्वाजा भी नजर आ रहा है। बहुत ये बड़ी बात है, बाउंड्री के बाद जो सिंगल करते हैं ये बहुत अच्छा साइन है हमारी क्रिकेट के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा साइन है क्रिकेटरों के लिए और लंबा खेलने के लिए बैट्समैन ऊपर रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दसवें ओवर का खेल जारी है, 86 ले ले बंद होगा। उस्मान अहमद तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं, तीसरा ओवर उस्मान अहमद कर रहे हैं, 30 रन अभी तक दे चुके हैं ये, कोई विकेट हासिल नहीं की। और ख्वाजा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं बाउंड्री लगाने के बाद। बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल करना ये ही एक बैट्समैन के लिए महारत की बात है। दसवें ओवर खेल जारी है, बहुत ही अच्छा खेले हैं सुहेब, लेकिन बॉलर भी उतनी अच्छी बॉल की है क्योंकि खेलने दिया और कैप्टन ने खुद बॉल को पकड़ा है क्योंकि कैप्टन को बॉल लगी थी अभी इंजरी के बाद, वो फिर ग्राउंड में आ गए हैं। सुलमान कैप्टन है गुजरात किंग्स के। सुहेब एक बार तो फिर अंदर आई डिलीवरी उस्मान की, तो इसी दौरान ही हल्का सा टच किया था सुहेब ने, तो 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ था, 89-4 रहीम यार खान की टीम। अब दोबारा लेके आए हैं जैन को, जिनका तल्लक मंडी बहावलदीन से है, जिनकी कोचिंग गुजरात किंग्स की कर रहे हैं। बोला जी अता बिल्कुल गुड शॉट, सुहेब सिंगल की तरफ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है इमरान भाई जो बैट्समैन रोटेट कर रहे हैं, ये स्कोरों रन्स के लिए जो है और टीम के लिए बड़ा मुसबत साइन है। मुझे याद है था 2004 और 5 में जब लाहौर में कैंप लगा था तो आप भी ऐसे ऐसी गेंद करते थे कि बंदा हैरान रह जाता था। उस वक्त टेलीकास्ट नहीं था इतना ज़्यादा जो कि आजकल के दौर में जियो सुपर के प्लेटफॉर्म से या पीटीवी स्पोर्ट्स से मिला है आपको। जी क्या कहेंगे जी, ये बड़ी मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो लाइव आते हैं स्क्रीन पे बच्चे आजकल आ रहे हैं, ये इनकी खुशकिस्मती है। हमारे मुल्क में एक अच्छी चीज़ आई है पंजाब प्रीमियर लीग, जिस तरह PSL है, जिस तरह गुड शॉट और ये सिक्स रन सुहेब की तरफ से। सुहेब ने एक और शानदार सिक्स लगाया जो बाउंड्री लाइन के बाहर और अपनी टीम के लिए रन बढ़ाते हुए 97-4 विकेट के नुकसान पे रहीम यार खान। सुहेब बहुत ही अच्छे और मजे हुए बैट्समैन हैं। और बात हो रही थी 2003 और 4 की, तो उस वक्त वो नेशनल कैंप लगा था, मैं भी उधर था, आप भी उधर थे, और अगेंस्ट शॉट खेला लेकिन सिंगर रन जी होंगे। तो बड़ी खुशकिस्मत की बात है इतनी देर बाद के बाद इमरान भैया मुझे मिले हैं, तो उस वक्त तो क्रिकेट के लेजेंड थे अमर सहेल भाई, उन्होंने वो नेशनल कैंप में थे, नेशनल एकेडमी करवा रहे थे। तो अभी इन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं वो तो क्या बात है, देखें स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इनके घर वाले देखेंगे, दोस्त देखेंगे सारे, और शौर पैदा होगा और ग्राउंडें जो हैं वो आबाद होंगी। जी बिल्कुल यही साइन होना चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया लीग तो पंजाब की है,
लेकिन प्लेयर्स पूरे मुल्क से चुने गए हैं। ये ओपन ट्रायल थे और जिसके अंदर कुछ टैलेंट था उसकी सिलेक्शन हुई और वो काफ़ी खुश हुए। हाँ, इसी तरह बड़ी ये खुशाइन बात है। एक्स टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा जो हैं, एक्स टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा जो हैं, वो मैं देख रहा हूँ वो कोचिंग कर रहे हैं पिंडी मारखोर की, रावल पिंडी मारखोर की, पंजाब प्रीमियर लीग में। तो इसी तरह सारे स्टार आ रहे हैं, अगर ये बच्चे इनसे इनके अंडर रह के खेलेंगे तो बड़ी बात है। 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं रहीम यार खान के, जो हैं 4 विकेट के नुकसान पे 100 रन मुकम्मल इस वक्त हो चुके हैं। 11 ओवर अभी भी 4 ओवर बाकी हैं। गुजरात किंग्स की जो टीम है 11 ओवर में 100 रन करने दिए हैं उन्होंने। दस के साथ खेले हैं सोहेब, 46 रन पर है सोहेब, तो 4 रन की दूरी पर है सोहेब अपनी निसब सेंचुरी से। तो 12वें ओवर का खेल जारी है। बहुत ही अच्छी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं उस्मान खान, पहले 2 ओवर करके चले गए हैं, ये पहले भी 2 ओवर किए हैं उस्मान खान ने। गुड शॉट ख्वाजा की तरफ से, लेकिन दूसरे रन सिंगल ही लगा है। उस्मान खान पहले 2 ओवर करके चले गए हैं, उसके बाद 3रा ओवर करने के लिए आए हैं। ग्यारह शहर ये 2 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर है 102 रहीम यार खान की टीम का। तो 4 रन चाहिए सोहेब को अपनी निश्चित सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। उस्मान खान जो कि अपना आखिरी ओवर करवाते हुए 3रा ओवर करवा रहे हैं। उस्मान बहुत ही अच्छा पीछे की तरफ खेल दिया है सोहेब ने, आते ही इतना अच्छा स्ट्रोक खेला है सोहेब ने, और अंपायर का इशारा 4 रन अभी देखना पड़ेगा। ओ, बहुत ही दिलकश अंदाज से खेले हैं सोहेब, और ये 4 रन। और इसके साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 106। उस्मान खान 3रा ओवर करने के लिए आए हैं। और इस दफा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले थे, बड़ी लगाना चाह रहे थे सोहेब, इसी दौरान ही सोहेब ने अपनी निसब सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अता क्या बात है सोहेब की। हाँ सोहेब, मैंने आपको बताया था ये जिस तरह का खेलते हैं, मैंने इसको खेलते हुए देखा है पहले भी, बड़े मैचेस मैंने देखे हैं। ये अफसाबाद से की तरफ से गुजरांवाला खेलने आता है, तो सोहेब सुल्तान, इसके वालिद का नाम सुल्तान गोल्डन है, तो जो इनकी कोचिंग करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कमाल का क्रिकेटर है। अभी ये रीजन की तरफ से भी खेल रहा है, सियालकोट रीजन की तरफ से। और दफा कैच को ड्रॉप कर दिया है थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने, और कैप्टन है, दूसरा कैच इस मैच में ड्रॉप किया है कैप्टन सुलेमान ने, जो गुजरात किंग्स के कैप्टन हैं। और ख्वाजा को एक और नई जिंदगी मिल गई है क्रिकेट में। वो सलमान दिखा रहे हैं अपने हाथ को के मुझे तो पहले ही जख्मी हूँ तो मैं क्या कैसे पकड़ता, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, हो जाता है। लेकिन अब सामना करेंगे सोहेब, और बॉलिंग के लिए हैं उस्मान खान, 3रे ओवर की लास्ट बॉल करेंगे उस्मान खान। गुड शॉट सोहेब सुल्तान, रहीम यार खान की तरफ से, और 2 रन के लिए निकले थे लेकिन ख्वाजा ने मना कर दिया है, और ये गुड डिसीजन था, ये रन आउट भी हो सकते थे। और 3 ओवर मुकम्मल किए उस्मान खान ने, 1 विकेट हासिल की 23 रन देकर।
अदनान अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं और ये सुल्तान की इनिंग जिस तरह स्टार्ट की थी बहुत ही अच्छी बाउंड्री लगाई, ये फिर चौका मारा और फिर निकल के सामने बाउंड्री और ये फिर बैक लाइव। अदनान को एक बार तो फिर कप्तान लेकर आए हैं, तो आज जिस तरह से बॉलिंग का मजारा किया है अदनान ने, ये 50 देखिएगा, शानदार बैटिंग सहेब की। जिस तरह था मुझे बता रहे थे इनके वालिद ही इनके कोच हैं, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा साइन होता है कि जब बाप बेटे का कोच हो, और बिल्कुल फिर इसी तरह आपको चौके और छक्के ही देखने को मिलेंगे। इसका सुहेब सुल्तान बहुत ही अच्छी और ये और अंपायर अपील जरूर की है, कैच क्लीन हो गया, तो अंपायर दोनों मशवरा करेंगे। आप अंपायर डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, मशवरा करेंगे और उसके बाद सलीम भट्ट साहब रेफर कर रहे हैं। नॉट आउट का इशारा दिया है था थर्ड अंपायर ने, टीवी अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। इस तरह कैच कोशिश जरूर की थी कीपर ने, लेकिन गेंद काफ़ी ठप आगे गिरी, इसकी वजह से नॉट आउट का सिग्नल दिया अंपायर ने। इसी तरह सुहेब को एक और जो है वो गुड लक जी, बिल्कुल, और ये अंपायर डिसीजन नॉट आउट था और ये आउट नहीं था दोबारा, और ये फिर शॉट खेला लेकिन बच गए हैं सिंगल के लिए। सुहेब बड़ी हिट लगाना चाह रहे हैं, सुहेब को चाहिए कि उनको पता है कि बाकी इसके बाद दो ओवर का खेल बाकी है, और कोशिश होगी सुहेब की कि दो ओवरों में कम से कम 20 से 25-30 रन और ऐड किए जाए। अभी चीफ गेस्ट आए हैं, चौदह ओवर का मैच हो चुका है, तो अभी इसके बाद लास्ट ओवर होगा, इसलिए सुहेब जो हैं वो हर बॉल पे मारना चाह रहे हैं, रन्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ओवर कम हो गए, 14 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है। अभी 8 बॉलें बाकी हैं इस पहले इनिंग की और 111 रन 4 विकेट के नुकसान पे, तो इसके बाद तगड़ा सेमीफाइनल खेला जाएगा, बड़े मुकाबले हैं अता आगे। हाँ, ये जो दो ये भी जो मैच होगा, ये मैं आपको बता दूं बहुत कांटेदार मैच होगा, क्योंकि 111 रन हो गए हैं 12 ओवर में। गुजरात की टीम है बड़ी तगड़ी, वैसे गुजरात के पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जिस तरह आज जारहाना अंदाज से सुहेब ने खेला है, सुहेब सुल्तान ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है, मज़ा आ गया इनिंग देखने का सुहेब सुल्तान का, और इसी तरह ख्वाजा ने उसका साथ दिया है और अपनी टीम के लिए 112 रन्स किए हैं उन्होंने। अभी भी 7 बॉल बाकी हैं इस पहली इनिंग की,
और सामना करेंगे ख्वाजा जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है ख्वाजा और ख्वाजा सामना करेंगे। आज शायकीन की भी आमद मतवक्को है ज्यादा से ज्यादा। बड़ी लगाना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए मुकम्मल तौर पर। तो इसके साथ ही 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 112 चार खिलाड़ियों को नुकसान पर रहीम यार खान की टीम। और ये कुदरती नज़ारे देखे अता, जब आप लोगों का दौर था तो तब ये T20 फॉर्मेट था या डबल विकेट था? असल में मैं तो जितनी भी क्रिकेट खेली है ज़्यादातर T20 खेली है क्योंकि हार्ड हिटिंग करते थे। तो T20 जो है ये 2007 से ज़्यादा ये जो है वो आई है जी, वो बिल्कुल मुझे याद है। और ये भी याद है जिस तरह से खेले हैं, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर नाकाम हुए और बाउंड्री मिली है। तो अता सुहेब के इरादे आज कुछ और ही हैं। एक और जारहाना अंदाज के साथ 4 रन सुहेब ने डाल दिए हैं। तो स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 116 पर। सुहेब सुल्तान ने तो आज मेला ही लूट लिया है क्योंकि रहीम यार खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इसी तरह बहुत अच्छे और दिलकश स्ट्रोक खेल रहे हैं सुहेब सुल्तान। इस दफा अंपायर का सिग्नल देखना होगा, वाइड बॉल का इशारा दिया है मुकीत ने। शहजाद जो है ये पहला ओवर अपना कर रहे हैं और पहला ओवर कर रहे हैं, 4 रन दिए हैं 1 बॉल पे। अभी देखते हैं, वाइड बॉल है। रहीम यार खान थंडर की टीम आज कुछ करने के इरादे में है। इमरान भाई स्कोर बहुत अच्छा हो गया है और इसी तरह एक और स्वीप की है इस दफा। सुहेब सुल्तान ने जो उसकी क्वालिटी है वो नजर आ रही है और ये सुहेब सुल्तान के लिए उसकी लाइफ की बेस्ट इनिंग होगी क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा जो है वो स्क्रीन लाइव स्क्रीन आ रहे हैं और अपनी इतनी अच्छी इनिंग दिखा रहे हैं। अपने स्पेशली वालद साहब उसके देखकर कितने खुश होते होंगे जो इसके कोच हैं सुल्तान गोल्डन फ्राम अफसाबाद। तो जो बॉलिंग करवा रहे हैं शहजाद, ये पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इमरान भाई आपने बताया, अच्छा ये जी मेरे नॉलेज में इजाफा किया इमरान भाई में, भाई ने बहुत शुक्रिया। ये अंडर 19 पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं शहजाद। तो रिसेंटली खेल के आए हैं शहजाद साहब, तो बड़ी ये हमारे लिए ऑनर की बात है गुजरांवाला के लिए क्योंकि ये जो बच्चे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं दूसरी सिटी के, वो भी हमारी सिटी में आज आके हमारे बच्चों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और लाइव क्रिकेट हो रही है और पूरा एरिया देख रहा है और ये बड़ी खुशियां चीज है। वो बहुत ही अच्छा शॉट सुहेब, टाइमिंग का सहारा जरूर लिया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। सुहेब ने तो क्लास की टाइमिंग, सुहेब ने तो आज कमाल कर दिया, बिल्कुल शानदार टाइमिंग। सुहेब के बल्ले से एक और छक्का और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 68 सुहेब का। रीप्ले देखिएगा, बिल्कुल कलाइयों को इस्तेमाल किया था और स्ट्रेट की तरफ खेले हैं, हल्का सा गेंद आगे पड़ा और उठा दिया है 6 रन के लिए। क्या टाइमिंग है सुहेब की आज। सुहेब सुल्तान ने तो आज सुल्तान वाली बारी ली है गुजरांवाला जिनाह स्टेडियम में। और इस दफा एक और कट और इस दफा पॉइंट की तरफ खेले हैं तो शहजाद को वेलकम कर रहे पहले ओवर में। शहजाद का पहला ओवर, इनका आखिरी ओवर। तो स्कोर बिल्डअप होता हुआ पहुंचा है 131 चार खिलाड़ियों को नुकसान पर। सुहेब पहुंचे हैं 72, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए सुहेब सुल्तान। जिस तरह से आज चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे हैं सुहेब, क्या बात है सुहेब सुल्तान की। इमरान भाई जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ था तो आपको बताया था मैंने 125-130 रन होंगे, तो 131 हो गए हैं, तो ये विकेट ही इस तरह की थी जी। बिल्कुल ये आपका अंदाजा था, जाहिर बात है क्रिकेट खेले हुए हैं। तो और एक और बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन
दूसरे रन की कॉल जरूर की है सोहेब को, तो दो रन का और इजाफा हुआ। तो इस तरह शानदार इनिंग्स खेली सोहेब सुल्तान ने, 133 रन हो चुके हैं चार खिलाड़ियों के नुकसान पर, 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 14 ओवर पर मुश्तमल थी ये इनिंग्स। और इस तरह 134 का टारगेट मिला है गुजरात किंग की टीम को, क्या बात है सोहेब सुल्तान की, 74 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सोहेब सुल्तान ने तो आज सुल्तान इनिंग खेल दिया है रहीम यार खान के लिए, क्योंकि इतने अच्छे दिलकश स्ट्रोक जो हैं वो नज़र आए हैं। तो मुझे लग रहा है जिस तरह इसने इनिंग खेली है, आज हफ्साबाद सिटी में भी इसका जश्न ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि हफ्साबाद के लिए ये प्राउड की बात है, क्योंकि सुल्तान गोल्डन साहब का ये बेटा भी है और ये कोचिंग भी सुल्तान गोल्डन साहब ने की है इसकी। वेल डन सोहेब, और उनका साथ जो दिया है वो है ख्वाजा सोहेब सुल्तान ने, बहुत ही अच्छी आज बारी खेली है। और पहली इनिंग का खात्मा हुआ है रहीम यार खान का, ये पहला विकेट गिरा था आज की, बस किया था की थी जबरदस्त, क्या बात है ये विकेट गिरी, फोल्ड हुए, ये होता है जब आप पावर प्ले की खेले, और इस तरह साथ साथ विकेटें भी गिरती रही और बाउंड्री भी देखने को मिलती रही। आउट ऑफ क्लास किया आज सोहेब सुल्तान ने, क्या बात है सोहेब की, जबरदस्त क्रिकेट मेला। और सोहेब ने जिस तरह ये लास्ट ओवर में अपनी जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग की, क्या बात थी, जबरदस्त एक्सलेंट। ये है स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर, 74 रहे, वन मैन आर्मी का किरदार अदा किया सोहेब सुल्तान ने, 133 for 4। जी आज तो सोहेब ने पूरे मैच का जो है वो सुल्तान बन के मेला लूट लिया है, सोहेब सुल्तान की इनिंग जो है। और ये पंजाब प्रीमियर लीग गुजरात किंग्स की जो अदनान 3 ओवर 15 रन एक आउट किया है, उस्मान खान 3 ओवर 23 रन एक आउट किया है, नजम जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है 2 ओवर में 18 रन दो आउट किए हैं, उस्मान अहमद 3 ओवर 32 रन कोई आउट नहीं किया, जैन 2 ओवर 19 रन कोई आउट नहीं किया, और बहुत ही अच्छी पहली इनिंग। गुजरात की टीम को 135 रन का टारगेट मिला है, तो कुछ ही देर बाद दोबारा लाइव एक्शन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।